हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राजनीति। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप के कोरोना वायरस, या गाइस इसको कह सकते हो लॉकडाउन फोटो एडिटिंग, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस और लॉकडाउन दोनों को एक साथ दिखाया गया है। इस एडिटिंग का इस डिमांड काफी ज्यादा थी, इसके लिए बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इस तरह की एडिटिंग लेकर आओ गाइस कोरोना वायरस के ऊपर एडिटिंग। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज होने का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अगर डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आपको लास्ट वाली वीडियो को चेक करना होगा, उसमें बताया कैसे डाउनलोड करना है, या फिर गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड माई स्टॉक, उसको आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो गाइस अगर हमारे चैनल पे हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, एंड वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट फॉर इट। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपने इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। और यहाँ पे गाइस मैंने इस बैकग्राउंड को तीन फोटोज को मिलाकर बनाया है, तो इस बैकग्राउंड को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी। तो गाइस और कुछ नहीं है तो यार बैकग्राउंड के लिए ही लाइक कर दो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं अपने ड्रॉ टूल में। तो यहाँ से गाइस हम सिंपल से अपने ड्रॉ टूल में जाएंगे और यहाँ पे आपने लेयर के ऊपर जाना है, और यहाँ से गाइस आपने प्लस पे जाना, और यहाँ से गाइस सीधे आपने फोटो लेयर से जाना है। और यहाँ पे गाइस आपको एक टीवी के पीएनजी मिलेगी, तो आपने इसको ऐड करना है। और गाइस जब आप फोटो लेयर से ऐड करोगे तो गाइस ये ऑटोमेटिक अपने जगह पे सेट हो जाएगा, फिर भी गाइस आप अपने अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस जो फोटो लेयर ऐड किया है उसके नीचे एक एम्प्टी लेयर आपको मिलेगा, तो आपने उसमें ऐड फोटो पे जाना है। और गाइस इसके लिए आपने शैडो की एक पीएनजी मिल जाएगी, ठीक है, तो आपने इस पीएनजी को ऐड करना है और फिर गाइस इसको ट्रांसफॉर्म पे ले जाना है। और गाइस इस टीवी के पीएनजी के नीचे आपने इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको एकदम परफेक्टली सेट कर लिया। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि हमारा शैडो एकदम रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी टीवी की पीएनजी के साथ उसको हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मर्ज कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे और इसमें गाइस अब आपने अपने मॉडल को ऐड करना है। तो यहाँ पे गाइस जाते हैं हम ऐड फोटो पे, और यहाँ से गाइस हम अपने मॉडल के कटआउट को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको ऐड कर लिया, फिर क्या करेंगे यहाँ पर टैप कर देते हैं स्क्रीन पे कहीं पे भी, और फिर क्या करना है इसको ट्रांसफॉर्म पे ले जाना है और इसको टीवी के ऊपर अपने सेट कर देना है, मतलब यहाँ इसी के ऊपर आपने बैठा देना है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको एडजस्ट करके बैठा लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे इसके ऊपर एकदम परफेक्टली सेट कर लिया, फिर क्या करेंगे यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे और यहाँ पे गाइस हम अपने मॉडल का शैडो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमारे शैडो की जरूरत है, तो यहाँ पे एम्प्टी लेयर बनाते हैं और उस एम्प्टी लेयर को गाइस हम मॉडल के नीचे रखते हैं और फिर गाइस हम अपने शैडो का काम करते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने अपना शैडो एकदम परफेक्टली बना लिया, आप भी एकदम आराम से अच्छे से बना लेना। और उसके बाद से गाइस आपको क्या करना है, आपने लेयर के ऊपर जाना है और यहाँ से अब आपने सबसे ऊपर वाले लेयर से आपको मर्ज करना स्टार्ट करना है। और गाइस सबको मर्ज कर देना, ठीक है, बस बैकग्राउंड में इसको मर्ज नहीं करना है। और फिर यहाँ पे गाइस हमें रिम लाइट वाला प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो हम एम्प्टी लेयर बनाएंगे उसमें हम एक वाइट कलर फिल कर देंगे और फिर गाइस उस वाइट कलर की एक कॉपी बनाएंगे। देन हम क्या करेंगे, अपने मॉडल की एक कॉपी बनाएंगे, तो जो गाइस हमारा कॉपी मॉडल है वो टॉप पे अपने आप आ जाएगा। तो फिर क्या करना, आपने उसका ब्लेंडिंग मोड एक्सओआर करना है और फिर इसको मर्ज कर देना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सओआर करना है, फिर मर्ज कर देना है। तो यहाँ पे गाइस एक वाइट कलर का आपका मॉडल रेडी हो जाएगा, तो आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। और इसको सेव करके यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है और बाकी दोनों को आपने सी ऑन कर देना है, और देन यहाँ से गाइस आपने अपनी फोटो को डिस्कार्ड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से डिस्कार्ड करने के बाद से अब आपने ऐड फोटो पे जाना है और गाइस जो आपने वाइट कलर का मॉडल सेव किया था आपने उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस इसको ऐड करेंगे और जस्ट इसको फुल बैकग्राउंड पे करेंगे, तो गाइस ये आपके जस्ट आपके मॉडल के ऊपर ही आएगा। फिर आपने इसका ब्लेंडिंग मोड लाइट एंड रखना है, इरेजर पे ले जाना है और इसको इन्वर्ट कर लेना है, फिर ब्रश सेलेक्ट करके आपने इसकी हार्डनेस को जीरो रखना है और फिर अगर आपने ब्रश करना स्टार्ट करना है, मतलब साइड साइड से आपने अपने एजेस के ऊपर ब्रश कर लेना है। तो गाइस इस रिम लाइट वाले प्रोसेस को मैंने डिटेल में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर उसको देख लेना तो आराम से एकदम आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमने इसमें एकदम परफेक्टली इसको कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको 80 के अराउंड रखेंगे। और यहाँ पे डाउन करने के बाद से देख रहे हो आप कैसा लग रहा है और इसको अप करने के बाद कितना सही लग रहा है। तो यहाँ पे इसको सेट करेंगे, देन यहाँ से इसको डन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम ऐड फोटो पे जाएंगे और यहाँ पे गाइस आपको एक टेक्स्ट पीएनजी मिल जाएगी, आपने उसको ऐड कर लेना है।
और इसको ऐड करके जस्ट आपने इसको ऊपर के साइड में लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम ऊपर के साइड में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देन गाइस यहाँ से डन करेंगे और डन करने के बाद गाइस हम फिर ऐड फोटो पे जाएंगे और यहाँ पे गाइस आपको एक और पीएनजी मिल जाएगी, तो आपने उसको ऐड करना है और इसको ऐड करके यहाँ पे आपने इसको ऊपर के साइड में लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इसको हम लगा लेंगे और फिर गाइस इसको हम डन करेंगे। डन करने के बाद ड्रॉ टूल में जाएंगे गाइस, फोटो को करेंगे सेव और चलेंगे लाइटरूम में। तो गाइस यहाँ पे आ गए अपने लाइटरूम में और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब कोई भी रिटचिंग हार्ड होती है तो मैं इसको एक प्रीसेट दे देता हूँ, तो गाइस इसकी भी प्रीसेट आपको मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। और सिंपल से गाइस आपने उस प्रीसेट को ओपन करना है और यहाँ पे आपने थ्री डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे कॉपी सेटिंग, और यहाँ पे गाइस आप सबको टिक या अनटिक कुछ भी टिक कर सकते हो सबको, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे इसको कॉपी सेटिंग करेंगे और देन चले जाएंगे अपनी फोटो के ऊपर और देन यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी फोटो कितनी ज़्यादा ऑसम रेडी हो गई है, बहुत ही कमाल की गाइस हमारी फोटो लग रही है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे अब इसको कलर पे लेकर जाएंगे और यहाँ पे गाइस आप इसमें टिंट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो, जैसे कि इसको हम रख लेते हैं -25, तो ये थोड़ा और हल्का सा ग्रीन कलर में हो जाएगा और बाकी चीज़ें गाइस एकदम परफेक्ट है। तो गाइस आपने सीधे फोटो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, गाइस चैनल को सब्सक्राइब।